इस वक्त आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें। अदालत ने MPA नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब जमानत मंजूर कर ली गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद, बताइएगा क्या डिटेल सामने आई है। जी बिल्कुल जी, आज नज़ीर चौहान को कैंट कचहरी में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब पेश किया तो उन्होंने अदालत से सजा की कि मुल्जिम का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए क्योंकि उसे तफ्तीश करना बाकी है, मगर अदालत ने पुलिस की यह सजा मुस्तरद कर दी और अदालत ने जुडिशल रिमांड पर पहले नज़ीर चौहान को जेल भिजवाने के अहकाम जारी किए। उसी वक्त उनके जो वकला थे उनकी जानब से दरख्वास्त जमानत दायर की गई और दरख्वास्त जमानत दायर करने के बाद सजा की कि जो इल्जाम हैं वो गलत हैं, वो चाहते उन पर जो है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा अमल नहीं किया जो कि गैर कानूनी हो या जो कानून की गिरफ्त में आता हो, लिहाजा अदालत मंजूर करे। जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली और 1,00,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया और ये हुक्म दिया कि जब वो 1,00,000 के मचल के जमा करा सके तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। जी आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।